आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। सुबह की सबसे बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सिंघू बॉर्डर पर अभी भी किसान डटे हुए हैं। वहीं कल दिन भर के घटनाक्रम के बाद शाम के वक्त इजाजत मिल गई थी दिल्ली पुलिस के साथ किसानों को एंट्री की, लेकिन बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में ही जाने की इजाजत मिली थी। हालांकि वहां पर कुछ काफिले किसानों के पहुंचे जरूर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने रात अभी सिंघू बॉर्डर पर काटी। और बड़ी खबर यह है कि वहीं पर आज बैठक होगी और उस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी, इस बात को लेकर विचार किया जाएगा कि आगे क्या करना है, आंदोलन को अगला रूप क्या देना है, आगे कहां तक आंदोलन को ले जाना है। और इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि कृषि मंत्री ने खुद यह कहा है कि 3 दिसंबर वो तारीख मुकर्रर की है जब उन्होंने कहा कि किसान संगठन आए, नेता आए और फिर उनसे बातचीत होगी। दूसरी तरफ किसानों का रुख भी अड़ियल है। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी वो रास्ता खाली नहीं करेंगे, वहां से वो हटने वाले नहीं है। और इस बीच आज की बैठक बहुत अहम, जिस पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक हो रही है जिसमें यह तय होना है कि किसान अपना अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, आगे की रणनीति क्या होगी, क्या सिंघू बॉर्डर को ही मैदान बना जाएगा या फिर वो मैदान जो कि प्रशासन की तरफ से दिया गया यानी कि बुराड़ी का निरंकारी मैदान, वहां पर जाकर किसान डटेंगे। साथ ही साथ ये भी बता दें कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो बुराड़ी पहुंच चुके हैं, जो इस वक्त निरंकारी ग्राउंड में मौजूद है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि अभी भी सिंघू बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सिंघू बॉर्डर से। सुशांत, बैठक के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई क्या वहां से? देखिए नवजोत, एक अहम जानकारी बता दूं कि 10 बजे तमाम जो यहाँ पर किसान के लीडर्स हैं उनकी बैठक होनी है, उसके बाद ये आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि आपको बुराड़ी मैदान जो है वो दिया जाएगा। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर सुबह से तमाम जो किसान है वो डटे हुए हैं, लगातार उनके बीच में बातचीत चल रही है, उनके लीडर्स के बीच में बातचीत चल रही है कि सिंघू बॉर्डर पर ही डटे रहे या फिर बुराड़ी की तरफ जाए। ये फैसला अभी 10 बजे की जो मीटिंग होगी उसमें जो है वो तय किया जाएगा। हमारे साथ तमाम जो पंजाब किसान यूनियन के जो प्रधान है वो मौजूद हैं और तमाम लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या आगे की स्ट्रेटेजी है, 10 बजे क्या कुछ रहेगा, उसके बाद क्या दिल्ली जाएंगे बुराड़ी के मैदान में या फिर कुछ किसान वहां पर पहुंच भी चुके? जो भी फैसला किया जाएगा वो 30 जथेबंदी बैठ के करेंगी, अकेला कोई फैसले के योग नहीं है। पर हम यहां तक पहुंचे हैं तो हमारी मांगे लेकर आए हैं, जो 3 कानून बने हैं वो वापस लिए जाए, 2 ऑर्डिनेंस अभी किए हुए हैं, अभी तो एक ऑर्डिनेंस टेबल पर ही है जो 2020 इलेक्ट्रिसिटी का है, दूसरा ऑर्डिनेंस जो पराली जगाने का 1 करोड़ जुर्माना और 3 साल या 5 साल की कैद किया वो हम वापस कराना चाहते हैं। किसान इस जो कानून बना है इससे अपने आप को ये सोचना भी हमारा लाभ नहीं है, हमारा नुकसान होगा। हमें कोर्ट बंद की गई है, हमें जो ADMC मंडी है वो जारी रहनी चाहिए, हमारी MSP जारी रहनी चाहिए। जिस सिस्टम में हम सर्वाइव कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर भी मतलब सुसाइड हो रही है। हम स्वामीनाथन रिपोर्ट की तरफ मांग कर रहे थे पर सरकार ने जो ये प्रस्ताव ये 3 लॉ का रखा है, हमें ये ऐसा लग रहा है किसान मारू है, हम इसको काला कानून कह रहे हैं। अभी कुछ किसान बुराड़ी के मैदान में पहुंच चुके हैं, अभी आप यहीं पर डटे हुए हैं, क्या आगे क्या रणनीति अभी फिलहाल क्या चल रही है कि आप बुराड़ी के मैदान पर, क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा गया कि आप जा सकते हैं बुराड़ी के मैदान पर, आपको खुला मैदान है वहाँ पर आप अपने जो है विरोध कर सकते हैं। पीछे हम जब आए हैं ना पंजाब से तो अलग अलग रुकावटें लाई हुई थी, वो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी तबाह की हुई है, जो हमारे पैसों से टैक्स से बनी है, वो सड़कें पीट पड़ेगी, हमारे पर गोले मारे गए, हमारे पर पानी यहाँ भी आकर हम खड़े तो पानी खाने मारे गए, गोले मारे गए। पहले प्रशासन या सरकार वो बताए भी किसानों के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है। सरकार बहुत शांतमय तरीके से, पंजाब का आंदोलन है 60 तारीख से ऊपर हो गया, हम शांतमय तरीके से रेलवे लाइन पर बैठे थे, टूल प्लाजा पर बैठे थे, रिलायंस के पंप के बाहर बैठे थे, अब हम शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करना चाहते हैं जो डेमोक्रेटिकली हमारा हक है। ये डिक्टेटरशिप नहीं करनी चाहिए, हमारे डेमोक्रेटिक तरीके से हमें अपना हक देना चाहिए। किसान क्या चाहता है और क्या आपकी क्या क्या मांगे हैं? मांगे तो सर, जो 3 काले कानून अध्यादेश आए हैं बड़ी मांगे थे वो हैं, दूसरा जो ये किसानों के ऊपर परसों के इशारे हो रही हैं, इंटू के साथ पथराव हो रहा है,
प्रशासन जो है वो अच्छा सलूक नहीं कर रहा है, इसी वजह से किसान परेशान से परेशानी से यहाँ आया है। अब सरकार भोले किसान को बरगला करके कहती है दिल्ली में आओ, पर अब आगे जो हमारी कमेटियां हैं 32-36 गठन हैं वो जो फैसला लेंगे, हमने वहां जाना है कि ये दिल्ली का जो जाम लगाना है, जो 5 हाईवे हैं वहां पे हमारे भाई किसान बैठे हुए हैं, अगर ये लगाए जैसे भी फैसला होगा हम उनके साथ हैं। जो जैसे एक सरकार कह रही है झूठी सरकार, ये किसानों की मांगे क्या है? सुशांत लगातार आप बात उनसे कर रहे हैं, लेकिन अरविंद ओझा भी इस वक्त हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से ही मौजूद हैं। जो रुख लग रहा है, हालांकि बैठक जो है वो 10 बजे तक के लिए, उन्होंने कहा कि 10 बजे हम ये डिसाइड करेंगे, जो रुख लग रहा है उससे कम से कम ये तय है कि किसान अपनी मांगे मनवाएंगे, यानी बिना मांगे माने वो वहां से हटने वाले नहीं है। इस बीच बहुत अहम है आगे की रणनीति, कैसे इस आंदोलन की आगे की रूपरेखा तैयार होगी। अरविंद ओझा, देखिए नौजवान, सबसे पहले तो आप दो तस्वीर देख लीजिए। ये देखिए, एक तरफ ये किसान है, किसानों का आंदोलन है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि कल दिल्ली पुलिस ने इनको बाकायदा बुराड़ी का जो निरंकारी ग्राउंड है वो मुहैया कराया था, जबकि दूसरी तरफ की तस्वीर कैमरामैन नासिर को कहेंगे वो जरूर दिखाएं। ये देखिए, एक तरफ किसानों की तस्वीर आपने देखी, अब दूसरे हिस्से में देखिए भारी फोर्स, दिल्ली पुलिस की भारी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर है, CISF की टीम यहाँ पर है, BSF के जवान है, भारी फोर्स है, और बीच में ये जो गैप है इस गैप पर है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अब सवाल यह है कि आगे की रणनीति क्या है, जैसा आपने पूछा तो मैं बताऊँ आपको कि अभी शुरुआत में आ रही थी कि मीटिंग्स हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही है, लेकिन जितनी मेरी समझ और जितने लोगों से मैंने बात की अभी कुछ भी क्लियर है नहीं, कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पर है। कई लोगों से बात की, उनका कहना है कि हम यहाँ से तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारी मांगे मानी जाएंगी। हालांकि टिकरी बॉर्डर और कई जगहों से ऐसे किसान हैं वो बुराड़ी के ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति है, नंबर एक। नंबर दो, कुछ समझ कोई भी क्लियरिटी नहीं है, अभी तक की स्थिति यही है। अरविंद ओझा, कुछ समझ में आ रहा है कि क्लैरिटी क्यों नहीं है? देखिए, जिस वक्त आंदोलन शुरू हुआ, जब मार्च हुआ, तब एक सुर में आवाजें थी, दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली जाना है। कल दोपहर तक जिस तरीके से आंदोलन था, उसके बाद इजाजत मिली दिल्ली पुलिस के साथ, दिल्ली एंट्री की इजाजत मिली, निरंकारी भवन में जाने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद से कंफ्यूजन की स्थिति हुई। पहली बात तो कल जिस वक्त पथराव हुआ उसके बाद से क्लैरिटी नहीं थी। कहा यह जा रहा था कि कोई उत्पादी लोग हैं जो वहां पर इस तरह के शरारती तत्व है जो पथराव कर रहे हैं, किसान नहीं है। और उसके बाद कुछ किसान पहुंच जाते हैं निरंकारी ग्राउंड पर, कुछ किसान यहीं पर बैठे हुए हैं, वो किसान ये कह रहे हैं कि हम डिसाइड करेंगे सिंगू बॉर्डर पर बैठना है या आगे जाना है। क्लैरिटी अभी क्यों नहीं है? देखिए, क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि इनका नेता कौन है, ये भी क्लैरिटी नहीं है। देखिए जरा ये तस्वीर देखिए, वो जो अगर आप ट्रक देख पा रहे होंगे सामने की तरफ कैमरा में नासिर को कहें, वहां से बकायदा अनाउंसमेंट हो रहा है, जो भी किसान है उनको बकायदा समझाया बुझाया जा रहा है, लेकिन कई लोगों से बात की, उनका कहना है कि हम यहां से तभी हटेंगे जब हमारी मांगे मान ली जाएंगी। कुछ एक नेता है जिन्होंने कल बात की थी, बुराड़ी के ग्राउंड पर गए थे, दिल्ली पुलिस से बात की थी, वो तस्वीरें भी हमारे पास है, वो तैयार हो गए थे, और वो इन्हीं के 20 से नेता थे जो पंजाब से लगातार मार्च करके यहां तक आए थे। तो फिलहाल की बात करें तो ये सब कुछ तभी क्लियर होगा जब दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो सीधा संवाद करेंगे। इसी से आप समझ लीजिए कि टिकरी बॉर्डर से और यहाँ जहां पर मौजूद हूँ सिंधी बॉर्डर से कई ऐसे किसान हैं जो बुराड़ी ग्राउंड पहुंच चुके हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो अभी रणनीति कुछ क्लियर नहीं, और मैं आपको साफ बताऊं आने वाले 1 घंटे में भी रणनीति कुछ क्लियर होगी नहीं। यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। हाँ, अरविंद ओझा, नजर आप बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। सिंगू बॉर्डर से हमारे दोनों संवाददाता लगातार मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे संगठन, किसानों के कुछ ऐसे काफिले जो कि पहुंचे थे निरंकारी ग्राउंड में, वहां से अनीशा हमारी सहयोगी मौजूद है, उनकी ये रिपोर्ट देखिए, उनका क्या कहना है, यानी वो किसान जो वहां पर डटे हुए हैं क्या कह रहे हैं। बुराड़ी ग्राउंड में अब ढोल नगाड़े शुरू हो गए हैं, किसानों के प्रोटेस्ट के बीच यहाँ पर ढोल बजाकर नारे लगाए जा रहे हैं, किसान एकता जिंदाबाद और सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माहौल ऐसा है कि लोग थोड़ा अपनी दिखाना चाहते हैं। बड़वानी जिले से आए, बड़वानी जिले मध्य प्रदेश से आए मैडम। हाँ, मध्य प्रदेश से आए हैं, बड़वानी जिले से आए, और मैडम हमारे गाँव डूब गए, 192 गांव डूब गए हैं, जो किसान आज परेशान है।
खेती बाड़ी उनको लाने से परेशान है, किसान वहाँ से फसल नहीं उसके ला सकता है, ऐसे गांव डूब गए बड़वानी जिले के अंदर 142 गांव। और यहाँ किसान के रूप में आए हैं, जो तीन बिल मोदी जी ने लेकर आए हैं उसके लिए हम लेके आए कि उसका समाधान बताए, किसान को उसका हक दे, मजदूरों को उसका हक दे। मतलब छोटे परिवार आज किसान से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ, मजदूर किसान से जुड़ा हुआ, मैडम मछुआरे जुड़े हैं, आदिवासी जुड़े हैं, अन्य लोग जुड़े हैं। अब देखो सरकार ने हमारी किसानों की मान मानना चाहिए मैडम, क्योंकि हर किसान आंदोलन कर रहा है आज देश का। ये जो तीन बिल सरकार लेके आई है इनका शोषण कर दे बस, और किसानों को उनका हक दे दे। के लिए आए हैं और बिजली बिल 2020 वापस लेने के लिए आए हैं, पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के सब लोग यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आंदोलनों से जुड़े बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से। यहाँ पर इस वक्त कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे आंदोलनों से जुड़े हुए जितने लोग हैं सब यहाँ पर आए हैं और अपना अपनी अपनी बात सामने रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार ये तीनों बिल वापस ले, और ये लोग पूरे देश के किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। कैमरामैन सत्य के साथ अनिशा माथुर, दिल्ली आज तक। बुराड़ी में जो किसान मौजूद है वहां से अनिशा हमें रिपोर्ट दिखा रही थी, लेकिन इस बीच सीधा चलेंगे सिंघू बॉर्डर पर, वहां से सुशांत हमारे सहयोगी मौजूद है। सुशांत, बड़ी बात ये कि क्लैरिटी नहीं है, 8 बजे का वक्त था, अब कहा जा रहा है कि 10 बजे मीटिंग होगी और उसके बाद सब कुछ डिसाइड होगा, चल क्या रहा है वहां पर? लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो नवजोत चल रही है। यहाँ पर अपने कैमरा पर्सन पर लोकेशन पर लोगों को यहाँ पर दिखाया है, तमाम पंजाब के लीडर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार उनके बीच के अंदर विचार जो है वो चल रहे हैं। क्लैरिटी जो है वो कब सामने आएगी वो भी सामने नहीं आई, क्योंकि 8 बजे का टाइम था कि क्लैरिटी होगी कि आगे ये बुराड़ी जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल ये सिंघू बॉर्डर पर जो है वो डटे हुए हैं। सुशांत, मैं लौट रही हूँ आपके पास, क्योंकि आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं आपकी, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच हम ये भी बता दें कि बीते सितंबर में जब सरकार ने कृषि कानून को अमली जामा पहनाया था, तभी से इस पर किसानों का विरोध और सियासत लगातार चल रही है, और इस वक्त जो किसान इस कृषि कानून का विरोध करते आ रहे हैं उनको ये डर है, ये आशंका है कि कृषि कानून से उनके हितों का नुकसान होगा। जबकि सरकार पहले की तरह एक बार फिर से यही बात कह रही है कि ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हटेगा और ना ही किसानों को किसी और सुविधा से वंचित रखा जाएगा। और इस बीच हम आपको सीधा लिए चलते हैं अहमदाबाद, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। कोरोना वैक्सीन की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, इसका जायजा लेना है। प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे हैं, 3 वैक्सीन और तीनों अलग अलग शहरों में वैक्सीन बन रही हैं, जिस पर खुद प्रधानमंत्री पैनी नजर बनाए हुए हैं। वैक्सीन की तैयारियां क्या हैं, कहां तक पहुंची हैं, कोरोना काल में वैक्सीन का इंतजार हर कोई कर रहा है और हर कोई उसी खबर के इंतजार में है कि कब ये वैक्सीन आएगी। तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इस वक्त, ये अहमदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा लेंगे कि आखिर तैयारियां कहां तक पहुंचे, क्योंकि इंतजार देश भी कर रहा है कि कब वैक्सीन आएगी। सबसे पहले अहमदाबाद, फिर पुणे जाएंगे और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री को हैदराबाद भी जाना है। साजस बैठक, प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट भी जाना है, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद, आज तीनों जगहों पर, 3 शहर, 3 वैक्सीन, तैयारियां कैसी हैं उसका जायजा खुद प्रधानमंत्री लेंगे। स्वदेशी कोवैक्सीन का ट्रायल फिलहाल हैदराबाद के भारत बायोटेक में, और इस पर भी कहां तक पहुंचा है ट्रायल, कितने वक्त और लग सकता है, इसको लेकर बहुत अहम है प्रधानमंत्री का ये दौरा। 3 शहरों में बन रही तीनों वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेंगे, कहां तक पहुंचे हैं। गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गोपी, ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां से निकलने वाली हर खबर का इंतजार एक एक देशवासी कर रहा है और प्रधानमंत्री बारीकी से देखेंगे, विचारेंगे कि कहां तक पहुंची है वैक्सीन की तैयारियां।
बिल्कुल नवजोत, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहां पे पहुंचे हैं। हम जायडस बायोटेक पार्क के बाहर खड़े हुए हैं और यहां पे हम आपको ये नज़ारे दिखा रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। तो वही प्रधानमंत्री जब यहां पे पहुंचेंगे तो इसके जो सीएम भी है पंकज पटेल, उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, एक वीडियो मीटिंग होगी, क्योंकि जायडस का जो वैक्सीन है ये जो जाइकोविड डी नाम का ये वैक्सीन तैयार हो रहा है, जिसका सेकेंड दौर का जो ट्रायल है वो चल रहा है और फिलहाल माना यह जा रहा है कि दिसंबर तक इसका जो थर्ड ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री यहां पे रिव्यू लेंगे, रिव्यू के साथ साथ जो वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने पहले ही ये कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक प्रॉपर बनाना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि जब भी वैक्सीन आएगी तो वो महत्वपूर्ण रहेगा, देश के हर एक आम आदमी तक ये वैक्सीन किस तरीके से पहुंचाई जाए या फिर उसको कहां पे स्टोर करना होगा, ये सारी चीजें यहां पे प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो एक रिव्यू होगा। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में, क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट से जो यहां पे चांगोदर अहमदाबाद का जो रूरल इलाका आता है वहां पे ये प्लांट है, तो वहां पे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। यहां पे उनका रिसर्च लैब भी है और रिसर्च लैब में जाएंगे। खास करके अगर बात की जाए नवजोत, तो ये जो वैक्सीन बन रही है ये प्लाज्मा डीएनए के आधार पे वैक्सीन बनाई जा रही है। जो गुजरात बायोटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने कोविड का डीएनए निकाला था और वो डीएनए के आधार पर जो जाइडस है, जाइडस इस पे रिसर्च कर रहा है। माना जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है ये 80% सक्सेस इसे मिली है। जो सेकंड ट्रायल का जो वैक्सीन इनका शुरू हुआ है उसमें 80% तक इसको सफलता मिली है। तो अब थर्ड ट्रायल जो है वो दिसंबर तक शुरू होगा और माना यही जा रहा है कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर या सेकेंड क्वार्टर तक जाइडस का जो वैक्सीन है वो बाजार में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरीके से रहेगा, क्योंकि आत्मनिर्भर वैक्सीन की जो बात हो रही है उसमें आज प्रधानमंत्री 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाइडस पे आएंगे और वो आम आदमी तक कैसे पहुंचे उसका भी यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा प्रधानमंत्री के जरिए। ये बहुत अहम है गोपी। देखिए वैक्सीन बन रही है, इंतजार पूरा देश कर रहा है उस वैक्सीन का, और जिस तरीके से खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी कुछ दिन पहले आज तक से खास बातचीत में ये बात बताई थी कि मार्च के अंत तक हो सकता है वैक्सीन आ जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जब खुद वहां पर पहुंचते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि बारीकी से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये बहुत अहम है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्टोरेज कैसी होगी, इन सब पर वो खुद नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल नवजोत, और खास बात यह है कि जाइडस का जो वैक्सीन यहाँ पे ये बायोटेक पार्क जो आप देख रहे हैं यहीं पे उसका रिसर्च हो रहा है, यहीं पे उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा और यहीं पे उसके स्टोरेज के लिए एक अलग से सिस्टम बनाई जा रही है। क्योंकि जो वैक्सीन बनेगा माना यही जा रहा है कि उसके लिए टेम्परेचर जो है -2 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए, तो वो जो टेम्परेचर किस तरीके से मेनटेन करना, उसको कहाँ पे स्टोर करना और स्टोर करने के बाद यहाँ से किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पूरे देश के अंदर, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे प्रधानमंत्री रिव्यू करेंगे। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है यही बताया जा रहा है कि जो कंपनी की ओर से कहा जा रहा है वो यही है कि मार्च तक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो रिसर्च का ट्रायल है सेकेंड फेज का ट्रायल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, दिसंबर में थर्ड फेज का जो ट्रायल है वो शुरू होने जा रहा है। तो अब तक जो सबसे अहम अगर हम कहें, जो अगर बात की जाए कि पुणे में जो इंस्टीट्यूशन ने अपना एक वैक्सीन बनाया है, साथ ही भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाया है उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन जो जाइडस का वैक्सीन है, जाइडस का वैक्सीन कोरोना के डीएनए के आधार पे बनाया गया है, यानी उसका जो प्लाज्मा डीएनए है, प्लाज्मिक डीएनए बोलते हैं उसे, उसके आधार पे ये वैक्सीन बनाया जा रहा है। इसके लिए एक पूरा रिसर्च भी किया गया है कि जो कोरोना का डीएनए क्या क्या है, वो किस तरीके से उसकी कितनी अलग अलग टाइप्स है, इस तरीके की पूरा रिसर्च करके बनाया गया है। तो माना जा रहा है कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज्यादा होगी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी यहाँ पे प्रधानमंत्री जायजा लेंगे, क्योंकि रिसर्च लैब के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी स्टोरेज बहुत महत्वपूर्ण है और देश में किस तरीके से पहुंचाना ये इस कोरोना के काल में काफी महत्वपूर्ण है, हर किसी को इंतजार है। तो बस यही कि अब कोरोना की वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द
बाजार में क्योंकि खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, इसलिए इंतजार के साथ साथ उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। गोपी नजरा बना रखे, हम लौटेंगे आपके पास, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।